दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त देश में कोविड-19 को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं, जो संख्या बताई जा रही है, जो परिदृश्य बताया जा रहा है, वो पूरे देश के लिए, खासकर आम लोगों के लिए एक बहुत ही डराने वाली, बहुत ही परेशान करने वाली चीज है। लेकिन सरकार के टॉप पे अगर देखा जाए, हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, तो वहां कोई परेशानी नजर नहीं आती, कोई हैरानी नजर नहीं आती, कोई समाधान की कोशिश नहीं दिखाई देती। बल्कि दूसरी तरफ नजर सरकार के टॉप लोगों की है, चुनावी माहौल तक में लोग उतर रहे हैं, बहुत अधिक खर्चा करके वर्चुअल रैलियां की जा रही हैं। लेकिन सर, हम आज दोस्तों उस पर बात नहीं करेंगे। आज हमारी चिंता, हमारा जो सरोकार, हमारा जो कंसर्न है, वो एक ऐसे विषय पर है जिसे आमतौर पे देश का जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वो नहीं उठा रहा है। अब आप देखिए कि हम दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में जो सूरत हाल है उस पर कितने परेशान हैं लोग, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, सभी लोग। और लोग तरह तरह की बातें, कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि इतने आईसीयू बेड चाहिए, कोई कह रहा है इतने वेंटिलेटर चाहिए, कोई कह रहा है कि 31 जुलाई तक 5 लाख या 5.5 लाख दिल्ली में केवल पेशेंट हो जाएंगे संक्रमित, तो वैसी स्थिति में कितने बेड की जरूरत होगी और इस वक्त दिल्ली में कितने बेड है, ये आंकड़े परोस रहे हैं बहुत सारे लोग। अब गुजरात के बारे में कहा जा रहा है कि गुजरात जो एक समय कहा जाता था कि वो विकास का मॉडल है, लेकिन सबसे अधिक जो मृत्यु दर है वो वहीं पर है और वो संख्या बताई जाती है वहाँ पर गुजरात में 6.23, जबकि दिल्ली का 2.91 है, महाराष्ट्र का 3.62 है। हालांकि महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या और मृत्यु, डेथ्स का जो फिगर है वो सबसे अधिक है। लेकिन हमारा ये कहना है कि महानगरों में, बड़े शहरों में और जहाँ सियासत के केंद्र हैं, वहाँ तो वैज्ञानिक किस्म की बातें होती हैं, डॉक्टरी की बातें होती हैं, अस्पताल की बातें होती हैं, लेकिन देश का जो बड़ा हिस्सा है, जहाँ देश की बहुत बड़ी आबादी रहती है, जहाँ हाल में फैक्ट्रियों, कारखानों से जो बिल्कुल बेकार हो गए मजदूर हैं, वो जहाँ अभी गए हैं, मैं गाँव की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे कस्बों की बात कर रहा हूँ, मैं मझोले शहरों की बात कर रहा हूँ, दोस्तों वहां पर क्या हालात हैं? वहां के जो हालात हैं वो पूरी दुनिया में बिल्कुल अनोखे हैं। ये बात मेनस्ट्रीम चैनल्स पर, अखबारों में भी नहीं आ रही है कि वहां का शासन प्रशासन, वहां का समाज और तरह तरह के संगठन क्या कर रहे हैं, लोगों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं और लोगों में क्या आंधी चल रही है। ऐसा नहीं कि लोग बीमार नहीं हो रहे हैं, ये बात सही है कि जो बड़े केंद्र है अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई की तरह, वहां ये हालात उस तरह के अभी नहीं है। लेकिन क्या ठिकाना कब क्या हो जाए, जो जिस तरह के हालात हैं, अस्पतालों की कमी, डॉक्टरों की कमी, उसमें कुछ भी हो सकता है। हम डरा नहीं रहे हैं, लेकिन डराने वाली तस्वीर को हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और वो क्या तस्वीर है दोस्तों, हमें जो खबर मिली है कि बंगाल से लेकर बिहार और झारखंड और यहां तक कि असम भी, कुछ लोगों ने तो हमको यह भी कहा कि ईस्टर्न यूपी के भी कुछ पार्ट्स में, लेकिन हमारे पास पुष्ट नहीं है बिल्कुल, ये इसका कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन बिहार के बारे में, झारखंड के बारे में और असम के बारे में और बंगाल के भी कुछ एक हलकों के बारे में हमारे पास कंफर्म्ड खबरें हैं कि कैसे वहां पर गांव में, कस्बों में, मझोले छोटे शहरों के बिल्कुल कोने अंतरे में, वहां पर लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में कोरोना माई, कोरोना देवी की पूजा की जा रही है। उनके नाम पर महिलाओं को उपवास कराया जा रहा है। और दोस्तों, जब मैं ये बात कह रहा हूं तो ये केवल कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो अटकलों में है। जो उस इलाके के बहुत प्रमुख अखबार हैं वहां पर ये खबरें आ रही हैं, लेकिन जो दिल्ली, मुंबई और
बड़े जो महानगर है वहां से छपने वाले जो तथाकथित राष्ट्रीय अखबार हैं, तथाकथित राष्ट्रीय जो मीडिया है, वहां पर ये बातें उतनी प्रमुखता से नहीं आ रही हैं। वो ये है कि मैंने अभी एक खबर पढ़ी दोस्तों, और ये खबर पलामू के पांडू से है। इस खबर में बताया गया है, अखबारी खबर है, कि बीते रविवार को पांडू के सिकनी में 20-25 महिलाओं ने कोरोना माई का उपवास रखा। उसमें उसी रात उपवास के चलते हो या दूसरे और कारणों से हो, ब्लड प्रेशर एक औरत का लो हो गया और वो रास्ते में अस्पताल जाते हुए दम तोड़ दी। इसको लेकर कोरोना माई की पूजा और कोरोना माई के उपवास को लेकर आसपास के इलाकों में एक दहशत सी फैल गई। तो हमारा ये कहना है, और इस खबर के जरिए या इस तरह के घटनाक्रमों के जरिए हम ये भी सवाल उठाना चाहते हैं कि दोस्तों ये कौन लोग करा रहे हैं, इसके पीछे क्या कहानी है। एक तरफ हम दिल्ली में, मुंबई में और अहमदाबाद में हम विकास मॉडल की बात करें या चाहे जिसकी भी बात करें, अस्पतालों की बात तो कम से कम कर रहे हैं, गैस सिलेंडर, हम ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हम वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, आईसीयू की बात कर रहे हैं, लेकिन उन इलाकों में जहां न तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, न रेफरल अस्पताल है, जिला अस्पताल की इतनी बुरी हाल है कि अगर आप जाएंगे तो पाएंगे कि जिला अस्पताल की बिल्डिंग में जानवर घूम रहे हैं। ऐसे इलाकों में औरतों को कौन ये समझा रहा है, कौन उनके दिमागों में ये बात भर रहा है कि कोरोना कोई माई है, कोरोना कोई देवी है, उसकी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों मैं चूंकि गांव में पैदा हुआ हूं, इसलिए बहुत सारे शहर में जिन्होंने जीवन अपना शुरू किया और शहर में ही रह गए, गांव यदा कदा गए, तो उनको बताना चाहूंगा कि हमारे गांव में जब हम लोग बच्चे थे और हाल तक भी, चाहे वो चेचक हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो डायरिया हो, सबके नाम पर एक देवी बुन खड़ी कर दी जाती थी और देवी की पूजा की जाती थी गांव में। अजीब तरह का वो माहौल था, और वो माहौल धीरे धीरे खत्म हुआ जब अंधविश्वास को, आडंबर को, पाखंड को धीरे धीरे वैज्ञानिकता से फाइट आउट किया गया और एक नवजागरण धीरे धीरे गांवों में, कस्बों में होने लगा। लेकिन आज जब हम 21वीं सदी में हैं, जब विश्व गुरु बनने का दावा किया जा रहा था अब तक, अब तो खैर बहुत बुरा हाल है, विश्व गुरु की सारी जो दावेदारी है, जो सारे दावे हैं, उनकी पोल खुल चुकी है कि हमारा कितना बुरा हाल है, हमारे पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक नहीं है जो बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के भी पास है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को अगर आप देखिए, क्या गजब का वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आप जैसे उदाहरण के तौर पे हम पड़ोस की, हम तो अमेरिका की बात करते हैं, इटली की बात करते हैं, हमेशा फ्रांस से अपनी तुलना करते हैं, लेकिन हम वियतनाम से क्यों नहीं अपनी तुलना करते, हम ताइवान से अपनी तुलना क्यों नहीं करते, और तो और छोड़िए चीन, चीन में भी आप देखिए जो हाल वुहान का हुआ और वुहान को जिस तरह कंट्रोल किया गया, हम उससे क्यों नहीं कंपेयर करते। वियतनाम में जीरो, एक भी डेथ के अभी तक उदाहरण नहीं है, और उस देश ने कैसे फाइट आउट किया कोरोना को, एक अलग कहानी है। लेकिन हम मूल विषय पर आते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं कि गांवों में, कस्बों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण और कोई अस्पताल न होने के कारण, बेहतर डॉक्टर न होने के कारण, और जो अस्पताल प्राइवेट में है, क्लिनिक है, वो लूट के अड्डे हैं। तो ये जो देवी है, ये जो माई है, इसके नाम पर भयावह स्थिति पैदा कर दी गई है। लोग कहते हैं कि कुछ एक संगठनों के पास गांव-गांव में कार्यकर्ता हैं, ग्रासरूट लेवल पर उनके कार्यकर्ता हैं। अब हमें कोई बताए कि आखिर वो ग्रासरूट लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ता लोगों को ये शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं कि ये गलत है, ये आडंबर है, ये अंधविश्वास है, ऐसा आप लोग मत कीजिए। और ये कोरोना माई की जो पूजा हो रही है उन गांवों में कराई जा रही है कुछ लोगों के इशारों पर, और उसमें महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, और खासकर जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, उनके बीच इसका प्रचार बहुत जबरदस्त ढंग से किया जा रहा है। और उसमें हो क्या रहा है, हमें जो जानकारी मिली है कि उसमें 9 गुड़हल के फूल, 9 लौंग, 9 कपूर, 9 लड्डू या 9 बतासे, इन चीजों को जुड़ाया जाता है, किसी कथित देवी की पूजा कराई जाती है, उपवास भी रखवा देते हैं गांव में उन औरतों से,
और फिर इन सभी चीजों को जलाया जाता है और जला करके और पुनः जमीन के नीचे गाड़ा जाता है, क्योंकि इनका ये मानना है कि ये बहुत खतरनाक देवी हैं, इनको जमीन के अंदर जब गाड़ेंगे तो ये अपने आप आएंगी नहीं आपके पास। तो ये जो अंधविश्वास का ताना बाना बुना जा रहा है, कमाल का है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें अपने समाज में होती है। नहीं, मैंने आपको बताया कि बचपन में किस तरह हम लोगों ने चेचक को देवी के रूप में देखा था और उसकी पूजा की जाती थी। हमने हाल में देखा इस युग में जब टेलीविजन आ चुका था कि गणेश जी अचानक दूध पीने लगे थे और पूरे देश में एक साथ पीने लगे थे। कोई नहीं जानता कि किसने ये सब किया, कैसे कराया। बहुत सारे लोग जानते भी हैं लेकिन उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं पेश करते। लेकिन एनीवे, ये अनजाना सच नहीं है कि वो सब कहां से आया, क्यों आया, क्या वजह थी। दोस्तों, इसके अलावा हम एक बात आपको करना चाहते हैं कि अपने देश के जो प्रगतिशील लोग हैं, जो वैज्ञानिक दिमाग के लोग हैं, लिबरल्स जिनको आप कहते हैं, वो बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते हैं, लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं ग्रास रूट लेवल पर, इनको काउंटर करने के लिए, इनको जवाब देने के लिए, सच सामने लाने के लिए, लोगों के बीच जाने के लिए, एक व्यापक जो जनतंत्र, एक व्यापक जो पीपल्स नेटवर्क होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका अभाव दिखता है दोस्तों। और ये वो कारण है जिसकी वजह से अंधविश्वास और अज्ञान का प्रसार करने वाली ताकतें अपने देश में ऐसे दौर में अपनी सक्रियता से एक नए ढंग का खतरा पैदा कर रही हैं, जो अभूतपूर्व है, जिसको पूरी दुनिया में शायद ही किसी मुल्क ने फेस किया हो या इस तरह का चैलेंज किसी मुल्क के सामने आया हो। दोस्तों, अंत में मैं ये कहूंगा कि हमने देखा है कि दुनिया भर में जो महामारियां आई हैं, जो महायुद्ध हुए हैं, उनके बाद दुनिया, हम हमेशा के लिए तो नहीं कह रहे कि ऐसा हमेशा हुआ है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि महामारियों और महायुद्धों के बाद जो दुनिया है उसने सबक लिए हैं, उसने बेहतर ढंग का एक समाज, सभ्यता, विचार उसकी तलाश की है, उसके लिए संघर्ष किया है, और दुनिया शायद बेहतर भी हुई है पहले के मुकाबले। लेकिन क्या हम अपने देश के बारे में भी कह सकते हैं? आप देखिए, अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की नृशंस हत्या के बाद जो एक वहां पर आंदोलन खड़ा हुआ, एक प्रतिरोध की जो नई संस्कृति दिखाई पड़ी, उससे पूरी दुनिया में उसका असर देखा गया। खासकर यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह, कोई देश दुनिया का यूरोप में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में शहर नहीं है जहां पर प्रोटेस्ट मार्च नहीं निकले। लोग नई संस्कृति की बात करते हैं, नए समाज की बात कर रहे हैं, यहां तक कि सिर्फ यही नहीं कि केवल वो श्वेत और अश्वेत का, काले और गोरे के भेद को खत्म करने की बात केवल कर रहे हैं, बल्कि वहां तो ये भी हो रहा है कि पब्लिक हेल्थ केयर कैसे मजबूत किया जाए। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, जो जिस तरह का प्राइवेट बीमा आधारित जो स्वास्थ्य नीति अमेरिका की है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अपने देश में क्या हो रहा है और अपने देश में क्या होगा? क्या इस महामारी से जिससे हम जूझ रहे हैं, न जाने कितना लॉस होगा, न जाने कितनी मौतें होंगी, न जाने कितनी तबाही होगी, लेकिन हमारा एक सवाल है कि क्या इतनी तबाही के बाद, इतने विध्वंस के बाद, क्या हमारा समाज बेहतर बनेगा? क्या हमारे समाज को सबक कोई भी लेगा? क्या हमारी सभ्यता को नई उछालें मिलेंगी या हम फिर पीछे जाएंगे? क्या हम फिर अंधकार युग की तरफ जाएंगे? क्या ये समाज जो अज्ञान की तरफ, अंधविश्वास की तरफ लौटाने की जिसको कोशिश की जा रही है करुणा माई, करुणा देवी की पूजा के जरिए, खासकर पिछड़े इलाकों में, क्या उससे हमारे समाज को निजात मिलेगी? क्या ज्ञान का प्रकाश मिलेगा? क्या हमें प्रगति, क्या हमें विचार के स्तर पर नई क्रांति दिखेगी, या सब कुछ अंधेरे में डूबता रहेगा हमारे समाज का और डूबते हुए लोग केवल अपने हाथ हिलाकर अपने आप को असहाय महसूस करते रहेंगे और सरेंडर करते रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। इन शब्दों के साथ आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.